So, यहाँ पर फोटो शूट हुआ जा रहा है, फोटो शूट एक ही एंगल से 3-4 फोटोस। बस रे बस। So now we are ready to go. चल निकलता हूँ, बाय। थैंक यू, अपडेटेड रहूँगा, ठीक है। गणपति बप्पा मोरिया। निकालना पड़ेगा, सभी जगह ज्यादा ले रहा है ना, लेफ्ट राइट हर जगह। चल बाय। एट लास्ट 6:18 AM। सोचो हम लोग ने प्लान किया था कि हम लोग निकलेंगे 5:30 से 6:45 बजे और यहाँ पर फुल 6:20 हो गया है। अब जो दूसरे लोग हैं वो लोग कहाँ पर है दैट आई डोंट नो, तो वो लोग भी आते रहेंगे। लेट्स सी, अब बिल्डिंग के बाहर वेट करना पड़ेगा, उनको फोन करता हूँ कहाँ पर है वो लोग। हाँ नाम नहीं, नाम नहीं दिखेगा, बाद में दिखाऊंगा। यस हम लोग निकल गए हैं, फिलहाल पहुंचे हैं मीरा रोड एंड आई गेस पवई वाला रोड लेने वाले rather than taking the Godbandar road, because हमारा जो तीसरा साथी है he is in Dahisar, तो हम लोग उसे वहाँ से उठाएंगे और लेकर जाएंगे। Weather is awesome. So checkpoint check, ये है अपना काशीमीरा और काशीमीरा से हम left नहीं लेकर right लेंगे I guess, yes right. राइट ले लिया है। ऐसे लग रहा है मैं ऑफिस जा रहा हूँ। चलो आगे अब तीसरे बंदे से मिलाएंगे, अभी तक तो किसी से मिलाया नहीं है, आगे मिलाएंगे। सो दिस इज द परफेक्ट व्यू, मतलब ये जो मेरी बिल्डिंग है ना, मतलब वन ऑफ द फेवरेट प्रोजेक्ट्स है, इसको देखकर ही दिल खुश हो जाता है। फेवरेट प्रोजेक्ट्स क्यों, बिकॉज आई एम ए सिविल इंजीनियर, सो अच्छा लगता है। संडे है तो सब राइड पे निकल रहे हैं, अभी बाइक्स ही बाइक्स दिख रहे होंगे। अब वो लोग, हम लोग तो डिस्पर्स हो गए हैं। अब मैं ढूंढ रहा हूँ KTM का शोरूम यहाँ पर, सो कुछ फोटो सेशन हो जाए। अब थोड़ा क्लियर व्यू आपको दिखेगा, बाइक कैसी लग रही है ना। कितना टाइम वेट किया है इसके लिए, कितना टाइम वेट किया है। छोटे मोटे फोटो सेशन कर लिए, अच्छा खींच लेता हूँ फोटो। अगर देखना ही है तो इंस्टाग्राम आईडी देख लो। ऑफिशियली हमारा ट्रिप चालू हो गया है, हमारा तीसरा बंदे भी हमारे साथ में आ गया है एंड मैंने ट्रिप को ज़ीरो कर दिया था। 7.3 किलोमीटर्स हम चला चुके हैं। सो दो वाइट हिमालयन एंड 1 ब्लैक हॉर्स। जल्दी इंट्रोड्यूस करूँगा, ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखूँगा। स्टोरी देख लोगे इंस्टाग्राम पे तो पता चलेगा आपको या पता रहेगा। सो ही इज द थर्ड पर्सन। सॉरी नाम बताने वाला था, आदत से मजबूर, बट वो पता नहीं कहाँ गए, देखते हैं मिलेंगे आगे। फिलहाल वेदर इज गुड, अच्छा डिसीजन था 6:30 बजे प्रॉपर नींद पूरी करके निकलने का। तो चले ऑल सेट, भाविन भाई धोनी अन्ना। चलो गणपति बप्पा मोरिया। सो ऑफिशियली वी हैव स्टार्टेड आवर टूर ट्रिप सफरनामा, जिसके लिए हमने बहुत वेट किया है और आज चालू हो गया वो एट लास्ट। सो 1 वाइट हिमालयन, 2 वाइट हिमालयन एंड मेरी ब्लैक हॉर्स माया ब्लैक हिमालयन। दिस इज पवई लेक।
7:32 AM, टेम्परेचर इज अराउंड 30 डिग्री, इतनी ठंड तो नहीं है, एंड अप्रॉक्सीमेटली 32 किलोमीटर हो चुके हैं। मैं कहाँ पर वाशी लेफ्ट लेना आप समझ जाओ, मैं कहाँ पर पहुँचा हूँ मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ, बस मेरे को इतना पता है कि मैं लोनावाला पुणे होते हुए जाऊँगा। सो हमारा फर्स्ट टोल नाका, टोल देना नहीं है लेकिन फिर भी ऑफिशियली फर्स्ट टोल तो होता ही है ना। हम लोग ऑफिशियली नवी मुंबई क्रॉस कर चुके हैं एंड इंजन टेम्परेचर इज 37 डिग्री, बाहर का टेम्परेचर होगा 28-27 समथिंग एंड टाइम हुआ है 7:38 AM। तो अभी तक तो बढ़िया चल रहा है, आगे भी चलेगा, आप ब्लॉग एंजॉय करो। गवर्नमेंट इज डूइंग अ गुड जॉब। सो दिस इज द कॉन्क्रीट रोड एंड ये ब्राउन इसलिए बिकॉज दैट इज गोनी सैक, क्योंकि उसको पानी मार के रखना पड़ता है फॉर 7 डेज। सो दिस इज द बेस्ट मेथड कि सैक को गीला करके उसको ऊपर बिछा दो, सो गीला रहता है टू गेन स्ट्रेंथ। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5 versus 3 होने वाला है, जिस हिसाब से हम लोग खड़े हैं और ये लोग क्या बोलते हैं इंटीमेट कर रहे हैं ना। अन्ना सोफे पे बैठा है और अन्ना ध्वनि कंफर्टेबल फुल रेसिंग के ताक में है ये लोग, बट हम लोग नहीं करेंगे बिकॉज वी आर वेल मैनर्ड, हम रेसिंग नहीं करते। क्या व्यू है, अमेजिंग यार, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि अब पहाड़ पे हम लोग एंट्री कर रहे हैं। पहाड़ से डिड आई गिव सम हिंट दैट वेयर आई एम गोइंग, देखते रहो व्लॉग देखते रहो, कहाँ जा रहा हूँ वो तो पता चल ही जाएगा। सो आवर फर्स्ट मेट, अच्छा लग रहा है, चल अभी एक मिनट, क्या भूख लगी है, ठीक है ना, नहीं लिया ना हम लोग ने, एक आध राइड बड़ा, एक राइड बाद में घर पे पड़ा रहेगा इसी। अन्ना एक बार वो मीम हम इसे प्यार से अन्ना कहते हैं। दत्त मिसल। सो हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, मिसल उपमा कॉफी फुल धमाल। तो बहुत गर्मी हो गई यार, बहुत गर्मी, अराउंड 30 डिग्री आराम से 30 डिग्री रहेगा। अब यहाँ पर एक सीन हो गया, जस्ट ब्रेकफास्ट खाए और जो हमारे अन्ना भाई साहब है उनका पीछे का टायर पंचर हो गया, सो द सेकंड टोल फॉर लोनावड़ा अपना लोनावड़ा। लोनावाला तो ऑलमोस्ट एंटर नहीं किए है, एक्चुअली किए ही नहीं है, पनवेल एंड लोनावाला के बाद जो बीच में जो आता है आई गेस वो वाला टोल है ये। अब गर्मी बढ़ गई है, फिलहाल हुआ ये था प्रॉब्लम कि हमारा जो एक साथी है अन्ना उसका हो गया था टायर पंचर पीछे का। सो कोई टेंशन की तो बात नहीं है, लेकिन जो टायर जो साइज का था वो टायर तो मिला नहीं, सो देखते आगे अगर पुणे में कर पाए तो। वी हैव रीच्ड लोनावला, आज चालू हो चुके हैं और उसी का हम मजा उठा रहे हैं।
दिस इज लोनावला सिटी, पूरा लोनावला दिखता है यहाँ से। सो यो वी कनेक्ट टू द एक्सप्रेस वे। हाँ सो एक छोटा सा हॉल्ट था यहाँ पर। सो यहाँ पर ये एक जगह है, यहाँ पर आर्मी की जो डिस्पोज हुई हुई गाड़ी होती है सो वो सब यहाँ पर मिल जाती है स्क्रैप के भाव में। सो जिसको लेना है आ जाओ यहाँ पर, मेरे को तो एक अच्छी जगह मिल गई है। सो मे बी इन फ्यूचर मैं प्लान करूँ, देखते हैं। अब खाने का प्लान है। सो हम लोग पुणे से जस्ट एकदम मतलब पुणे के बॉर्डर पे है, एग्जिट वाले बॉर्डर पे तो निकलेंगे एंड लंच करेंगे कहीं पे। तो फिलहाल इट्स 12:07 PM एंड टेम्परेचर इज़ अराउंड 30-32 degrees। ज़्यादा धूप भी नहीं है, धूप तो है ही और ज़्यादा छाव भी नहीं है। ठीक है, ओकेश वेदर है, चलो निकला जाए। हो सो ये कौन सा टनल है? न्यू कटराज टनल। बात समझ में नहीं आता मेरे को, सब लोग पार्किंग इंडिकेटर क्यों चलाते हैं यार? लाइट है ना ऊपर, सो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ ब्लिंकिंग द हैजार्ड लाइट्स? आई डोंट गेट इट मैन। बस पुणे से निकले नहीं कि ट्रैफिक निकल गया। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जो ऊपर वाला फ्लाईओवर है वहां पर शायद कुछ एक्सीडेंट हुआ है। सो एक्सीडेंट हुआ है उसके वजह से डायवर्जन किया है। गाड़ी वाला इतने से जगह से कैसे निकलेगा यार? ओहो धूल मट्टी भी इतनी सारी है ना कि क्या बताऊं। बट लेकिन वही है, जब तक हमारा जैकेट जो है राइडिंग जैकेट है वो जब तक धूल मट्टी से भर नहीं जाता तब तक मज़ा नहीं आता। ब्रिज कितना हिल रहा है ना। सो काम भूख लागे छे लागे छे, इसको तो मस्त नींद आ रहा रहेगा एकदम। वो सो जाएगी, उसको बोल रहा हूँ सो जा, नहीं सो रही हो। एक खास एडवाइस जो भी बाइक चलाते हैं, अगर ट्रक या कार लेफ्ट साइड में है, मतलब लेफ्ट साइड से, जैसे ये वाली ट्रक अभी लेफ्ट साइड से चल रही है, सो डू नॉट ओवरटेक फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दैट व्हीकल, कभी मत करना। क्योंकि जो ड्राइवर रहता है उसको जजमेंट राइट से ज़्यादा रहता है एंड उसका ध्यान राइट में ज़्यादा रहता है रादर देन लेफ्ट। तो कभी भी अगर ओवरटेक कर भी रहे हो तो सबसे पहले तो हॉर्न दो, सो दैट वो जो ड्राइवर रहेगा ही विल गेट इन्फॉर्म्ड दैट हाँ पीछे से कोई पास मांग रहा है। सो ही विल गिव यू द पास एंड इंडिकेट यू टू मूव फर्दर। सो इसका थोड़ा ध्यान रखना। सो ओवरटेक कर रहे हो तो राइट से करो, नहीं तो नहीं करो तो अच्छा है। पेश करते हैं सबसे पहले और एक्सपीरियंस सब जानते हैं। ये एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनको। पहली बार हमारे पहले साथी मिस्टर भाविन फ्रॉम ऑटोमोड्स स्पॉन्सर्ड नहीं है। लॉल अच्छा लॉल बोला, कुछ और समझ में आया तब मिला दिया, आगे देखेंगे। ये हमारे दूसरे, इधर आइए इधर आइए इधर आइए।
इसका मैं मीम डालूंगा। हाँ डालना जरूर। एक और बार एक और बार एक और बार हम इसे प्यार से अन्ना कहते प्लीज। एक और बार आप कीजिए। तो अन्ना शैनिश श्रिष्टा सुशील ध्वनि। हेलमेट नहीं निकल पाऊंगा अभी, बाद में निकल पाऊंगा। ठीक है, धूप बहुत है, फर्स्ट टाइम राइड कर रही है मेरे साथ में फर्स्ट टाइम राइड कर रही है। ठीक है बैकग्राउंड से आवाज आ जाता है। ठीक है, और हम लोग बचपन के दोस्त है और मेरी बहन है ये। ठीक है, छोटी क्या शादी हो गई, छोटी क्या है, मिलते बोलते। तो लंच हो चुका है, हम निकलेंगे नॉन स्टॉप टू द लोकेशन जहाँ पर हमें पहुँचना है। नाइस वन, इडली एंड मी, नाम भी कुछ डिफरेंट है। सम मोर 170 किलोमीटर्स टू गो और कुछ जूस ब्रेक लिया था, जूस ब्रेक, माजा ब्रेक, रिफ्रेशमेंट ब्रेक बोल दो। सब नॉन स्टॉप होगा। हेलो भाई, फिर से टोल आ गया है। सो सॉरी आप लोगों को भूल रहा हूँ, वो टोल। हमें टोल नहीं देना है, मोटरसाइकिल्स बाइक्स को अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है मतलब उन लोगों को रखा नहीं है, ओनली फॉर फोर व्हीलर्स है। एट लास्ट वी मेड इट टू कोल्हापुर। थर्ड फ्यूल हॉल्ट फॉर द डे। अरे कहाँ अटक गए लोग, हम भी बेलगाम की गलियों में है। चलो मिलते हैं होटल में। होटल में पहुंच गए, खाना भी खा लिया है, नींद पलंग में तोड़ आ रही है, एकदम तोड़ वाली नींद आ रही है। तो अभी 10:30 बजने जा रहे हैं एंड राइड पूरा आज का दिन, तो पूरा जो फर्स्ट वाला डे था आज पूरा ट्रैवलिंग ब्लॉग था। कुछ ऐसा खास देखने लायक नहीं था, जो चालू होगा कल से चालू होगा। कल हम लोग आगे के लिए निकल रहे हैं। सो बेलगाम वॉज एक हॉल्ट बोल सकते हो, क्योंकि वो लंबा स्ट्रेच था अराउंड 500-600 किलोमीटर्स का, तो उसको कट शॉर्ट करने के लिए हमने बेलगाम में हॉल्ट लिया। तो चालू है प्लान, इटिनरी में भी चेंजेस आ रहे हैं, बट एट द एंड जो लोकेशन है वो सबका फेवरेट है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो फॉर वॉट एवर रीज़न, इफ़ यू लव दिस व्लॉग तो प्लीज़ डू हिट अ लाइक, एंड इफ नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी तो अपना व्लॉग चालू है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और इंस्टाग्राम आईडी फ्लैश होता है स्क्रीन पे, तो उसको आप फॉलो करो, वहाँ पर डेली अपडेट्स रहते हैं। और माय इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, बाय।